पंडोह में बन रहे हिमाचल प्रदेश के इकलौते क्षेत्रीय आयुर्वेद पोषणजन्य विकार अनुसंधान संस्थान के भवन को इस वर्ष के अंत तक सुचारू कर दिया जाएगा। ये जानकारी संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर ओमराज शर्मा ने दी। डॉक्टर ओमराज शर्मा ने बताया कि पंडोह में करीब 18 करोड़ की लागत से क्षेत्रीय आयुर्वेद पोषणजन्य विकार अनुसंधान संस्थान के भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान में बनने वाले 11 पंचकर्मा हट्स का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और अस्पताल के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जा रही है। अस्पताल में 50 बिस्तरों का प्रावधान होगा, जिसमें 25 बिस्तर पुरुषों के लिए जबकि 25 महिलाओं के लिए होंगे। डॉक्टर ओम राज ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने अस्पताल की ओपीडी के कार्य को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का विश्वास दिलाया है, जबकि बाकी भवन के कार्य को 31 मार्च 2017 तक पूरा करने की बात कही है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार जनवरी महीने तक पंडोह में बनने जा रहे संस्थान के अस्पताल की ओपीडी को सुचारू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को इस संस्थान का समय पर लाभ मिलना शुरू हो जाए। पंडोह में जो अभी हमारा नवनिर्मित संस्थान है, उसमें 11 पंचकर्मा हट्स जो है वो उनका कार्य शुरू कर दिया गया है। और जो दूसरी बिल्डिंग है, हमारी हॉस्पिटल का जो सेक्शन है, कार्यालय का सेक्शन है, इंडोर डिपार्टमेंट है, उसका कार्य भी इस पर तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद है कि हमारी ओपीडी वाला जो बहिरंग विभाग वाला जो रहेगा पहला तल, उसका कार्य जो है वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा और जनवरी तक उम्मीद है कि हम जनवरी में उसका उद्घाटन भी करवा लेंगे और उसका कार्य शुरू कर देंगे। बाकी का जो है वो HPPWD वालों के साथ हमारी बात हुई है, उसमें मुख्य जो हमारे चीफ इंजीनियर महोदय हैं, उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि वो मार्च तक 31 मार्च तक पूरा जितना भी हमारा भवन है वो हमें सौंप देंगे। बता दें कि डॉक्टर ओमराज शर्मा को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में उपनिदेशक के पद पर तैनाती दी है, जबकि इससे पहले वे संस्थान के प्रभारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सहायक निदेशक के पद पर तैनाती देने के लिए डॉक्टर ओमराज शर्मा ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।